हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आसना। आज हम डिस्कशन करेंगे काला कुंभ के बारे में। रिसेंटली न्यूज में इसको ऑर्गेनाइज किया है बाय द मिनिस्टर ऑफ द टेक्सटाइल, एंड काला कुंभ जो है इसे ऑर्गेनाइज हो रहा है। ये हेल्ड हुआ है किसके लिए ना, टू प्रमोट द GI क्राफ्ट्स, कहाँ पे ना, बेंगलोर एंड मुंबई में। ये जो एग्जीबिशन है इसका जो मोटो है GI टैग, GI मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, जो है इसको प्रमोट करना है, क्राफ्ट्स एंड हेरिटेज ऑफ द इंडिया। ये जो एग्जीबिशन है इसका स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड कौन कर रहा है ना, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर द हैंडीक्राफ्ट। विजिटर्स क्या है, विल सी द वेराइटी ऑफ हैंडीक्राफ्ट, देन ये उसको क्या है ना, उसको खरीद सकते हैं हैंडीक्राफ्ट को, एंड डायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो कि जो आर्टिसन है, उनका जो लाइवलीहुड आर्टिसन है उनका इम्प्रूवमेंट के लिए ये डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये जो इवेंट है ये मार्च 2020 में कोलकाता में होने वाला, कोलकाता एंड चेन्नई में होने वाला है। हाईलाइट इसका देखेंगे, एक तो हो गया और विजिटर्स जो है खरीदेंगे हैंडीक्राफ्ट, एंड उनका जो खरीदने के बाद जो पैसा है वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट होगा जो कि इम्प्रूवमेंट ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ आर्टिसन। एंड दूसरा जो है एग्जीबिशन में जो है एक तो एक अवेयरनेस जो है, ये अवेयरनेस जो है ये क्रिएट होगा जो कि रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री के लिए। GI टैग के बारे में हम देखेंगे, GI टैग एक्चुअली मिलता है किसके लिए ना, यूज होता है ना हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, जो कि करेस्पोंड्स टू ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन के लिए, और ओरिजिन के लिए। ये जो है ये अगस्त एज ऑफ द अगस्त 2019 तक 178 GI हैंडीक्राफ्ट हमारा इंडिया में रजिस्टर्ड है। ये जो है ये आर्टिसंस ये बैकबोन ऑफ द इंडियन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर से, जो कि इसमें क्या है ना, इनहेरेंट स्किल्स, टेक्निकल ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप है। सो दैट्स एंड थैंक यू।